पता है अनु, मैं जानता हूँ कि ये कपड़े, ये ड्रेस तुमने मेरे कहने पे पहनी है और तुम इसमें बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, ये भी मुझे पता है। इसलिए मैं तुमसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू। वापस घर जाके तुम वही पहनना जिसमें तुम कंफर्टेबल फील करो, क्योंकि तुम्हारा कंफर्ट मेरे लिए सबसे ऊपर है। हाँ, मैं कभी कभी कुछ रिक्वेस्ट करूं कि ये पहन लो या वो पहन लो, तो अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मत पहनना, मुझे कह देना। ओके? आपके लिए भी सेम सेम अप्ले होता है। अरे बाबा, थैंक यू अनु। तुम खुश तो हो ना? बहुत 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 खुश हूँ। आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया। सिवाय परिवार के क्या करूं? मेरा परिवार बहुत छोटा सा है, रिश्तेदार हैं लेकिन बहुत कम हैं। भाई, भाभी, भतीजी सब US में, तुम्हें बताया था ना, हैं सब कजन्स, लेकिन सगों से बढ़कर प्यार करते हैं मुझसे। इसीलिए तो भैया ने मुझे हमें गिफ्ट दिया। मेरा उनसे मिलने का बहुत मन है और वो लोग शादी में भी नहीं आ पाए, तो पता है अनु, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम और मैं दोनों US चलते हैं। तुम US भी घूम लोगी और उन लोगों से भी मिल लोगी और तुम्हारा US जाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे मैं सोच रहा हूँ कि हम इसको प्लान कर। वाह, अंधेरे में कोई हॉरर फिल्म का ऑडिशन दे रही है क्या आप? अरे डर के मारे मेरी जान चली जाती तो, और चिंता के मारे मेरी जान चली जाती तो। वाह, मैंने आपसे कहा था ना मैं देर से आऊंगी। देर से आने में और सुबह के 4 बजे आने में फर्क होता है। अरे तेरे चक्कर में ना मुझे नींद नहीं आई। तो मैंने आपसे जागरण करने के लिए कहा था क्या बा? पुरानी हॉरर हवेली में ऐसे चौकीदार की तरह भटकने के बजाय सो जाती ना जाके। घर की बहू अपने पहले पति के साथ रात भर घूमती रहती है तो कैसे नींद आएगी? तो जागने की आदत डाल लीजिए बा, क्योंकि अब ये अक्सर होने वाला है। वाओ मम्मी, कितनी कूल लग रही है ना। आखिर बेटी किसकी है? कूल डूड की। अरे वाह, आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी तो आज चाय मैंने बना दी, पता नहीं आपको पसंद आएगी भी या नहीं। अच्छी है बेटा, इनफैक्ट बहुत अच्छी है। थैंक यू। थैंक यू। अच्छे दर्शन हो गए। सिद्धिविनायक मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, बाबूनाथ मंदिर, हाजी अली, सबके दर्शन हो गए। और साथ में तुम्हारे फेवरेट बच्चन साहब, शाहरुख, सलमान, ऋतिक, अक्षय, आमिर, इन सबके घर भी देख लिए ना तुमने। खुश हो? बहुत खुश, बहुत मजा आया। अच्छा, कल हम जुहू बीच गए थे और गिरगांव चौपाटी भी गए थे, तो अब कहाँ जाएंगे?
अब कहाँ जाएंगे? अब हम वहाँ जाएंगे जहाँ आपका मन हो मोहतरमा। नहीं, हम वहाँ जाएंगे जहाँ आपके जाने का मन है। आप तो इतनी बार मुंबई आ चुके हैं, तो कोई तो जगह ऐसी होगी जो आपको बहुत पसंद होगी, जो आपके लिए स्पेशल होगी। क्या हुआ? मुंबई में दरअसल सब कुछ स्पेशलिटी ही है। यहाँ के लोकल ट्रेनों में चढ़ना स्पेशलिटी है, डबल डेकर बस पे आगे वाली सीट पर बैठना स्पेशलिटी है, दोस्तों के साथ वड़ा पाव खाते हुए सनसेट देखना स्पेशलिटी है। सो सब कुछ स्पेशल है मुंबई में, एवरीथिंग इज फाइन। मैंने कहा जो जगह आपको पसंद है, जो जगह आपके लिए स्पेशल है, वैसी जगह। कौन सी जगह है वो? मेरी तरफ देखिए, बताइए ना कौन सी जगह है वो। भैया गाड़ी आगे से घुमा लीजिएगा। पंचांग देकर बताइए ना कि आज शुभ मुहूर्त कितने बजे है। शुभ मुहूर्त? हाँ। तलाक लेने का? नहीं बा, पा आज मेरा एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहा है। बिजनेस? हाँ। किसका? आईब्रो बनाने की दुकान खोल रही है? बा मैं सब छोटे मोटे काम नहीं करती हूँ, मैं अनिरुद्ध के साथ मिलकर एक मार्केटिंग एजेंसी खोल रही हूँ। जो लोग अनिरुद्ध को लूजर समझते थे उन्हें शायद ये बात सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अनिरुद्ध अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है और वो मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है। तो बा बताइए ना, आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए शुभ मुहूर्त कितने बजे का है? और शुभ काम के ना कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। और तू पहले से बेशर्म थी या बेशर्मी, अभी अभी वो ऑनलाइन ऑर्डर की है? ये जो काम करती वो अहमदाबाद जाके कर, सिर्फ हमारी नाक कटती। पर ये मेरे मायके में, मेरे माँ के घर में ये जो गुल खिला रही है ना, उसमें तो मेरे मायके की नाक भी काट दी। पा मैं सिर्फ काम कर रही हूँ। काम? अच्छा, मुझे पता है आधी आधी रात को कौन सा काम होता है वो मुझे। इनफ बा। काफिया, बिहेव। तो तुम बा से कहो ना कि सोच समझ के बात किया करे। मैं अनुपमा नहीं हूँ जो सुनती रहूं और फिर एक दिन सब माफ कर दूं। ये तो होना ही था। जो औरत शादी में पुलिस बुलवा सकती है वो तलाक हाथ जोड़ के नहीं, हाथ जुड़वा के देगी। आई थिंक मम्मी है जो काव्या को समझा सकती है। नहीं नहीं, उसे कोई कुछ नहीं बताएगा। अब उसे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमने उसे बहुत सताया है, भगवान करे वो उसके घर में सुखी रहे और उसके लिए रोज खुशियों के नए द्वार खुलते रहे। वनराज हारा तो पहले ही है, अब वो टूट गया है। वो दिखाता नहीं लेकिन उसकी आंखों में दिखता है। वो काव्या उसे सिर्फ छोड़ के गई होती ना तो उसे दुख होता, पर अभी इसी घर में उसके आंखों के सामने वो अपने पहले पति के पैसे का ना दिखावा कर रही है, मेरे बेटे को चोट पहुंचा रही है, उसको जला रही है। और अगर हर घड़ी हर पल किसी के सम्मान को चोट पहुंचती है ना तो पर्वत भी टूट जाता है। मेरा बेटा तो सिर्फ एक इंसान है। तुझमें और मुझमें यही फर्क है लीला, तुझे सिर्फ बेटे का दुख दिखता है, मुझे दुख भी दिखता है और दुख का कारण भी। कौन है? कौन है मेरे बेटे के दुख का कारण बताइए? खुद तेरा बेटा। काव्या को तलाक के कागज पहले उसी ने दिए थे, वो काव्या को छोड़ना चाह रहा था तब तुझे काव्या का दर्द दिखाई नहीं दिया,
लेकिन जब काव्या उसे छोड़ना चाह रही है तो अचानक तेरे मन में ममता जाग गई। अरे माँ हूँ, ममता तो जगेगी ना। दुनिया बेटे का दोष देखती है, माँ नहीं। माँ को तो सिर्फ दर्द दिखाई देता है, और मुझे मेरे बेटे का दर्द दिखाई दे रहा है, इसलिए वो काव्या ना चली जाए। अरे अनिरुद्ध के साथ जाए, जहाँ जाना है जाए, उसके घर में रहना है तो रहे, कहीं भी रहे, बस मेरे बेटे के सामने यहाँ रह के उसके सीने पे मूंग ना डले। पर वो जब नहीं जाना चाहती तो तू क्यों? अरे कैसे नहीं जाएगी, मैं उसे हाथ पकड़ के छोड़ आऊंगी। शांत हो जा लीला, काव्या अभी भी इस घर की बहू है, यहाँ रहने का उसका अधिकार है। अरे पर... अरे मन बड़ा कर, शयानी हो जा। रही बात तेरे बेटे की, तो हम सब है ना, समय खराब है, नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, ऐसे में अगर परिवार साथ देगा तो ये समय भी कट जाएगा। लीला, ठाकुर जी ने मेरे बेटे के भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। लिखा था लीला, पर तेरे बेटे ने उसे मिटा दिया। अब दोबारा लिखने की कोशिश मुश्किल तो होगी। पता नहीं मेरा बेटा फिर से कब मुस्कुराएगा। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी जिंदगी एक शब्द पे सिमट गई है, अनुपमा। लेकिन तुमसे मिलने से पहले भी मेरी एक जिंदगी थी, और उस जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा एक दूसरे शब्द में सिमट गया था, अनाथ। जब कोई बच्चा किसी छत के नीचे पैदा होता है ना, माँ बाप के साए में पैदा होता है, एक परिवार के अंदर पैदा होता है, तो वो एक अनाथ का, एक यतीम का दुख नहीं समझ सकता। जिस बच्चे की मां नहीं होती, बाप नहीं होता, परिवार नहीं होता, वो बच्चा अक्सर बाकी बच्चों के मुकाबले देर से चलना सीखता है, काफी देर से। और वो इसलिए क्योंकि उस बच्चे का कोई हाथ थामने के लिए नहीं होता। मेरा भी कोई हाथ थामने के लिए था ही नहीं, इसीलिए मैंने ऐसे ही एक अनाथ आश्रम की खुदरी दीवार पर हाथ रखकर उसे ही अपनी मां समझकर चलना सीखा। मां, आज मैं जो कुछ भी हूं, जैसा भी हूं, उसकी शुरुआत ऐसे ही एक अनाथ आश्रम में हुई थी। ऐसे एक बच्चा सबसे पहले मां बोलना सीखता है। वाह, पता है मैंने सबसे पहले कौन सा शब्द सीखा? थैंक यू। इमेजिन, उस उम्र में मैं थैंक यू भी नहीं सही से बोल पाता था, मुझे पता नहीं था क्या शब्द है, उसका मतलब तक नहीं जानता था, लेकिन शब्द सीख गया था। थैंक यू। आश्रम में हर चीज मांगने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ता था, और जब वो चीज मिलती थी तो हमें थैंक यू बोलना सिखाया गया। थैंक यू। एक आश्रम और एक घर में फर्क पता है क्या होता है अनु? घर पे बच्चे का हक होता है हर चीज पे, उसके माँ बाप उसको सिखाते हैं, बताते हैं, जताते हैं, लेकिन एक आश्रम में चीजें मिलती हैं, सब होता है, लेकिन हक से नहीं, एहसान से। Thank you.
कई कोई मुझसे, ये ऊपर वाला बहुत खुश था, खुश था क्योंकि उसने मुझे माँ और बाप दे दिए, एक परिवार दे दिया। मम्मी पापा मुझे ऐसे ही एक आश्रम से हाथ पकड़ के घर ले गए, चाचा चाची मिले, जीके मिले, फिर मुक्कू मेरी जिंदगी में आई, फिर भाई ने शादी की तो भाभी आई, और फिर मेरी छोटी, मेरी भतीजी सारा, एक कंप्लीट फैमिली, एक परिवार मिला, पहचान मिली। अनु, परिवार का ना होना ना एक बच्चे के लिए सबसे सबसे बड़ा श्राप है, सबसे बड़ा। और एक परिवार का प्यार मिलना बच्चे के लिए सबसे 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 बड़ा आशीर्वाद है, बिगेस्ट। कान्हा जी, मुझे ऑल द बेस्ट वाला आशीर्वाद दे देना। हाँ, मैं प्रे करता हूँ, मैं विनती करता हूँ ऊपर वाले से कि दुनिया के हर बच्चे को ऐसा आशीर्वाद मिलना चाहिए। I'm really sorry. सॉरी मत कहिए, सॉरी मत कहिए, बस जो कुछ भी दिल में है वो कह दीजिए, पूरा का पूरा कह दीजिए। लोगों के लिए ये अनाथालय सिर्फ एक आश्रम है, एक जगह है, मेरे लिए ये मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, दरगाह, ये सबसे बढ़कर है। ये मैं जब यूएस में था ना, तो मैं शेल्टर होम्स में जाया करता था, वो भी ऐसे ही होते हैं। यहाँ भी जब मुंबई आता हूँ तो यहाँ एक बार जरूर आता हूँ, मेरे दोस्त का अनाथ आश्रम है ये। सो तुमने जब गाड़ी में मुझसे पूछा कि मेरे लिए सबसे स्पेशल, सबसे अहम जगह कौन सी होगी, तो सारे मंदिर देख लिए थे, बस ये मंदिर देखना बाकी था। ये मंदिर दिखाने के लिए थैंक यू। सही कहा आपने, जिसने आप खोलते ही माँ का चेहरा देखा हो, उसके लिए आपका दर्द समझना बहुत मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूंगी, मैं पूरी 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 कोशिश करूंगी, जरूर करूंगी। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर ऑल दिस। ये मैं तुम्हें मुंबई हनीमून के लिए मैं क्या, हमारा रिश्ता कोई घुटने तक का पानी नहीं है कि हंसे खेले और कम हो गया। हमारा रिश्ता तो एक गहरा समंदर है, और इस समंदर में दुख और सुख दोनों के मोती नहीं मिलेंगे तो कहां मिलेंगे। कहते हैं कि कोई अगर एक बार अनाथ आश्रम गया तो वो पूरा लौट कर नहीं आता, उसके कलेजे का एक हिस्सा वहीं छूट जाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।